If you want to be mains physics competitor and you want to compete in mains physics, तो आपको सारे rules and regulations जानने जरूरी है. You have to know about it. You should understand the rules and criteria of mains physics. आपको ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि you know कि mains physics में आप competition में जाते हो, stage में जाते हो, तो आपको जो judge होते हैं उसको क्या उनको कौन सी physics चाहिए होती है या फिर यू नो क्या टाइप की फिजिक उनको चाहिए होती है वो जानना बहुत जरूरी है. यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू पोज एंड हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन स्टेज. आपको ये भी जानना जरूरी है आपके मेन फिजिक के हिसाब से आपको क्या डाइट एंड यू नो वर्कआउट फॉलो करना चाहिए. If you want to learn all this, come join us on Path to Mains Physics by Manoj Patil, powered by Dynamo Nutrition. And first of all, हमारा एक सीरीज बनाने का एक ही ना मोटिव था कि हम लोग मेंस फिजिक पाथ टू मेंस फिजिक जो सीरीज है हम लोग क्यों बना रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट बहुत सारे मुझे ऐसे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज आते हैं, मेल्स पे आते हैं या फिर फेसबुक पे आते हैं. तो everyone is asking कि you know सर इसका कैटेगरी क्या होता है, इसकी वाइट कैटेगरी क्या होती है, इसमें हाइट होती है क्या होती है. तो यू नो बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स को पता नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है मेन फिजिक कैटेगरी. यू नो वेट कैटेगरी भी होती है, हाइट भी होती है, किसी को नहीं पता है. तो दैट द रीजन हमारा मेरा एंड इंडियन बॉडी बिल्डिंग का एक ही मोटो था कि यू नो कि हर लोगों को, हर एवरी सिंगल लोगों को गाइड करना है अबाउट मेन फिजिक. And that's why we are creating this series. Yeah, and we are creating 5 episodes of Path to Mains Physics. और आपको उसमें सारे guidance मिलेंगे. आप अगर ये 5 series को miss नहीं करोगे, आपको proper guidance मिलेगी about Mains Physics. What is the Mains Physics? Mains Physics में क्या होता है, कैसे होता है. So don't forget to watch this 5 episode. And आप इसको miss मत करना. अगर आप इसको miss करते हो, तो आप Mains Physics के बारे में जानना भूल जाओगे. So don't forget to watch this 5 all 5 episode. And अगर आपने miss कर दिया, तो आपको पता है क्या होगा, आपका करियर